एवरीवन, वेलकम टू स्टार स्वीट होम। हैप्पी गणेश चतुर्थी। आज गणेश चतुर्थी का फास्ट है। आप सभी जानते हैं कि ये फास्ट बच्चों के लिए किया जाता है। आज ये फास्ट मेरी मदर इन लॉ ने किया है, वो पूजा करेंगी, मैं भी उनके साथ रहूँगी इस पूजा में। चलिए देखते हैं पूजा कैसी की जाती है। यहाँ पे मैं और मेरी मदर इन लॉ दोनों पूजा में बैठ चुके हैं। मैं कथा पढ़ रही हूँ। पूजा मैं और मेरी सास मिलके करती हैं। जैसा कि बताया कि फास्ट बच्चों के लिए किया जाता है। इस दिन काले तिल और सफ़ेद तिल और गुड़ का प्रसाद बहुत ज़रूरी होता है। ये प्रसाद चढ़ता है। इस फास्ट को संकटा चतुर्थी भी बोलते हैं। इस दिन भगवान गणेश माता पार्वती की पूजा की जाती है। गान चतुराय गान प्राणाय गानांतरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुक मनसे गुरु पूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान को त्रिशूल का वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर से बाहर शोरगुल सुनकर माता जब पार्वती बाहर आई तो उन्होंने देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। यह देखकर वह रोने लगी। उन्होंने शिवजी जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिवजी जी ने कहा, एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया जाए, इस तरह गणेश भगवान का दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश जी को हाथी की तरह सूंड होने वाले, तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ में यह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को। यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ गणेश भगवान की परिक्रमा करने जा रही है। मैं उनके बालों में थोड़ा थोड़ा सा दूध डालूंगी। वो दूध की धार एक अलग थाली में गिराती है। इस परिक्रमा को 5 बार किया जाता है। ग्रंथ गीताय ग्रंथ गेयाय ग्रंथांतरात्मने गीतलीनाय गीताश्रयाय गीतवाद्यपटवे गेयचरिताय गायकवराय गंधर्वप्रियकृते गायकाधीन विग्रहाय गंगाजलप्रणयवते के यहाँ पे परिक्रमा कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे देखिए चांद निकल आया है। आज के दिन चांद की पूजा की जाती है। मेरी मदर इन लॉ यहाँ पे चंदा मामा को अर्घ दे रही है। अब हम आरती करेंगे। शरण आए सफल की जो सेवा